हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। ये थंबनेल देख के ही आपको पता चल गया होगा कि ये कोई ट्रैवल वीडियो नहीं है, ये एक रिव्यू वीडियो है। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी बाइक 310 GS का रिव्यू, क्योंकि इस पर मैंने ऑलमोस्ट, आप चेक कर सकते हो मीटर पर, 20,000 किलोमीटर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके लिए बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत से DMs आ रहे थे। इन सभी DMs और क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सो पूरे इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की। सो BMW 310 GS ऐसा दिखता है कुछ, एंड इसमें जो हेडलाइट है, पहले इसमें नॉर्मल लाइट आती थी, बट अभी जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसमें इसकी जो लाइट है वो LED लाइट हो चुकी है, और BMW LED DRL के साथ एक बहुत अच्छा फिनिश आता है, ये रात में बहुत अच्छा दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस बाइक में जो इंजन है इसमें 313 cc का, जो कि 34 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, और एयर कूल्ड इंजन है, सो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और जो ये देखिए, सबसे खास बात इसमें ये है कि जो इसमें इंजन है वो रिवर्स इंक्लाइंड है, मतलब कि इसमें जो साइलेंसर वाला पाइप होता है, बाकी गाड़ी में आप चेक कर दोगे कि आगे से होता है, बट इसमें पीछे से है। सो ये सबसे अच्छी बात है इस बाइक की, कि इसमें हीटिंग इशूज़ बहुत कम होते हैं इसकी वजह से। इसमें जो सबसे खास बात है, वो मुझे जो अच्छी लगी है, वो इसके सस्पेंशन लगते हैं। इसमें 180 mm का जो सस्पेंशन है आगे की तरफ दिया गया है, एंड सिंगल सस्पेंशन पीछे की तरफ दिया गया है। और इस गाड़ी में बहुत सी एसेसरीज लगी हैं जो मैंने बाहर से आफ्टर मार्केट लगवाई हैं। इसके लिए एक नए अलग से एक वीडियो बना दूँगा जिसमें हम केवल एसेसरीज़ की बात करेंगे एंड उनकी प्राइस की बात करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के बारे में। जैसा कि इंजन के स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। सो उसके बाद सबसे पहली चीज़, इस जैसा कि इसका नाम है 310 GS, एडवेंचर बाइक है, तो एडवेंचर से रिलेटेड सबसे पहले बात करते हैं। सो एडवेंचर बाइक होने में तीन चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है इसके सस्पेंशन, दूसरा होता है कि इसके जो टायर्स हैं वो कितने बड़े हैं, क्योंकि बड़े टायर्स होंगे तभी ज़्यादा अच्छा ग्रिप मिलेगा और एडवेंचर्स में फ़ायदा होता है। एंड तीसरी चीज़ है जो कितने टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है ये, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। सस्पेंशन जो इस बाइक का है वो सबसे बढ़िया है, मतलब सबसे बढ़िया से मेरा मतलब है, एक तो आगे की तरफ इसका 180 mm का ट्रैवल डिस्टेंस है। सो इसके सस्पेंशन इतने अच्छे हैं कि मैंने इसके ऊपर 850-950 तक कंटिन्यू ड्राइव किया है, और मुझे बिल्कुल थकान नहीं होते। क्योंकि इसका एक तो सबसे अच्छी बात है कि इसका बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा है, आपको झुक के नहीं बैठना पड़ता है, बिल्कुल सीधे बैठना पड़ता है। और दूसरा, सस्पेंशन इतना अच्छा है कि भाई आपको थकान लगती ही नहीं। बम्प जो हैं, जो गड्ढे छोटे छोटे से या ब्रेकर्स हैं, उनको ईजिली मैनेज करती है ये बाइक। सो सस्पेंशन के मामले में BMW का कोई मैच नहीं है। KTM एडवेंचर भी है, बट वो इतना अच्छा वर्क नहीं करते हैं जितना अच्छा इसके वर्क करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये बाइक है इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब कभी आप खुद चलाओगे तो आप भी इसका डिफरेंस जो है वो फील कर पाओगे। सो सस्पेंशन में मैं इसको 10 out of 10 दूंगा। एंड अब आते हैं हम दूसरी तरफ। दूसरा जो है इसका, वो है इस कितना जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है। ये गाड़ी जो है वो एक डिसेंट टॉर्क प्रोड्यूस करती है, आपको अच्छा मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार है, एक डिसेंट टॉर्क जो है वो गाड़ी प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत टॉप नॉच भी नहीं है। मैं एक डिसेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके जितना मैंने यूज़ किया एडवेंचर्स पे, उतने में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। सो ये दो चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं इसमें, कि टॉर्क अच्छा है, सस्पेंशन 10 out of 10 है, और एक एडवेंचर बाइक में तीसरी जो सबसे खास चीज़ होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ग्राउंड क्लियरेंस, कि बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। हिमालयन और KTM, इनके कंपैरिजन में जो BMW का ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है। 220 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि एक अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस होता है बाइक में। सो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में आज तक मुझे तो कोई भी इशू है, क्योंकि मैंने एक दो बार जो है वो डिवाइडर्स को भी क्रॉस किया है, छोटे छोटे से, बड़े नहीं कहूँगा, छोटे से क्रॉस किया है, वो कोई इश्यूज नहीं आया। तो ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का बहुत अच्छा है। सो गाइस, अभी बात करते हैं हम इस बाइक के माइलेज की।
जैसा कि मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये जो माइलेज है वो डिफर करता है आप कैसे राइडर हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो स्पीड को 100, 120, 130 मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। सो आपको भी पता है कि अब अगर आप स्पीड ज़्यादा रखोगे तो माइलेज कम होता रहेगा। सो अगर जैसा कि मैं चलाता हूँ, मैं थोड़ा एग्रेसिव होकर चलाता हूँ थोड़ा सा, तो मेरी स्पीड जो है वो 110, 100 ऐसे रहती है। सो उस स्पीड पे ये मुझको 27, 28 का एवरेज देती है। और एक बार जब मैंने इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर चलाया था, लाइक 130, 140, देन उस समय जो एवरेज दिया था मुझे 24, 25 का एवरेज मिला था। अगर बट मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको 90, 100 के बीच में चलाते हो तो आपको ईजिली 30 का एवरेज मिलता है, कोई इसमें नहीं है। कंपनी भी क्लेम करती है कि वो 29, 30 का देते हैं, तो ये 29, 30 का एवरेज देती है अगर आप इसको 90, 100 पे क्रूज़ करके ईजिली चलाते हो। सो सबसे पहले अब बात करते हैं हम इसकी वाइब्रेशंस पे, क्योंकि अभी जब पहले जो BS4 मॉडल था इसका, उसमें वाइब्रेशंस के बहुत इशू थे। सो लोगों ने बहुत कंप्लेन किया कि उसमें वाइब्रेशन बहुत आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बाइक लोगों ने थोड़ा सा नापसंद किया था। जैसा कि इसके नए मॉडल में वाइब्रेशंस इशू जो हैं वो रिजॉल्व कर दिए गए हैं। अगर आप 90, 100 मेंटेन कर रहे हो तो वाइब्रेशन नहीं होते हैं, और अगर आप 120 क्रॉस करते हो तब जाके इसमें जो है थोड़े से वाइब्रेशंस शुरू हो जाते हैं। सो वो आपको भी पता है, आप पूरे ट्रिप पे 140-150 तो नहीं चलाने से रहे, आप चलाओगे 90-100 ही। तो हमें कंफर्टेबल जो फीलिंग होती है, मतलब अच्छा फील आता है बिल्कुल, वो 90-100 पे ही आता है। सो उस पर वाइब्रेशन नहीं है इस बाइक में बिल्कुल भी। सो आप इजीली इस पर ट्रैवल कर सकते हो लॉन्ग, कोई इशू नहीं है। और जो थोड़े वाइब्रेशंस है वो हर बाइक में होना ज़रूरी है यार, क्योंकि ईवी नहीं चला रहे हैं हम, बैटरी थोड़ी चला रहे हैं हम, तो बाइक चला रहे हैं तो थोड़ा वाइब्रेशन तो आएगा ही आएगा। सो इसीलिए वाइब्रेशन का बट इतना ज़्यादा इशू नहीं कि आपको उससे प्रॉब्लम हो, तो थोड़ा सा वाइब्रेशन तो बाइक में हर किसी बाइक में रहता है। सो अभी बात करते हैं हम इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पे। अभी देखो कुछ लोगों का आएगा कि भाई, कुछ लोगों के बहुत से लोग कहते हैं कि BMW है तो महंगा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत महंगी होगी और बहुत सी चीज़ें हैं। बट मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नॉर्मल कोई सा भी गाड़ी लेते हो, क्योंकि इसका जो सर्विस इंटरवल है, सबसे अच्छी चीज़ जो इस बाइक में लगती है मुझे वो इसका सर्विस इंटरवल लगती है, क्योंकि इस बाइक में जो सर्विस इंटरवल है वो है 10,000 किलोमीटर या फिर 1 साल। मतलब जो चीज़ पहले पूरी हो जाए आपकी, 10,000 किलोमीटर्स पूरे हो जाए या 1 साल पूरा हो जाए, तो एक बार आपको सर्विस करानी है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स करते हो तो उसमें सर्विस बार बार कराने का झंझट हो, क्योंकि एक बार ही सर्विस कराना है। आप इजीली आप अपना लॉन्ग ट्रिप इस पर कंप्लीट करो, देन वापस आके इसकी सर्विस करा के दोबारा आप जा सकते हो। सो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे इस बाइक की। और मेंटेनेंस कॉस्ट यार देखो, ऐसा नहीं है कि आप अगर KTM लेते, हिमालयन लेते, उनकी सर्विसेज भी देखो 2,500-3,000 पे एक बार करानी पड़ती हैं। तो इसका इंटरवल ऐसा है कि 10,000 है, तो 2,500-3,000 में भी आपको 3 बार सर्विस करानी पड़ती है। सो मिनिमम 1,500-2,000 रुपये तो लगते ही लगते हैं आपकी एक सर्विस पे, अगर आप KTM की या हिमालयन की कराएंगे इस सेगमेंट पे, इस सेगमेंट की बाइक पे 1,500-2,000 या 2,500 रुपये तक लग जाता है, मैं 2,000 मान लेता हूँ। तो 3 बार सर्विस में 6,000 देने से अच्छा है आप एक बार दे दो ना 6,000, 6 से 8,000 रुपये। और सबसे बड़ी बात यार, आप एक ब्रांड ओन कर रहे हो, अगर आप 6 से 7,000 रुपये भी नहीं देने के लिए तैयार हो तो यार फिर तो मत ही खरीदो ये बाइक, क्योंकि आप BMW ओन कर रहे हो। सो ये ब्रांड का तो थोड़ा सा यार पड़ता है थोड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जितना इन लोगों ने इसका हवा बना दिया है, उतना भी नहीं है बस, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, क्योंकि वो आपको एक ब्रांड दे रहे हैं यार। सो BMW को ओन करने का इतना तो चार्ज दे ही सकते हो आप। और मैंने इसकी जो पहली सर्विस कराई थी, वो फर्स्ट सर्विस इसकी पड़ी थी मुझे अप्रॉक्स 5,000 के आसपास, एंड जो इसकी सेकेंड सर्विस थी वो मुझे लगभग पड़ी थी 7 से 8,000 रुपये के आसपास। सो अभी इसकी थर्ड सर्विस कराने का टाइम आ गया, ये भी आई थिंक 8 से 9,000 आती है, तो इतना तो दे सकते हैं, क्योंकि 10,000 किलोमीटर का टाइम इंटरवल है, तो ईजिली इतना दिया जा सकता है भाई। और जो मैं चाहता था ना इस बाइक में, वो सारी चीज़ें हैं यार, तो इतना तो देना बनता है, क्योंकि मैं चाहता था कंफर्ट हो, सस्पेंशन अच्छे हो, लॉन्ग ड्राइव अच्छी हो सके, लंबी लंबी ट्रिप्स मार सकूं, सारी चीज़ें हैं इस बाइक में। तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करने में कोई इशू नहीं है, क्योंकि भाई मैं एक ब्रांड भी ओन कर रहा हूँ BMW, जिसका बहुत अच्छा वैल्यू है मार्केट में।
सो थोड़ा सा ज़्यादा देने में कोई इशू नहीं है मुझे इसके लिए। और यार भाई सारी चीज़ें अगर साइड में कर दी है ना, तो इस बाइक में ना सबसे अच्छी चीज़ है क्वालिटी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब क्वालिटी सुनो यार, मतलब ऐसा समझो कि जैसे आप KTM लेते हो, तो KTM मैं, आप सोचोगे बार बार मैं KTM का नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई इसको जो थोड़ा सा टक्कर देती है ना वो KTM ही है, और इसकी टक्कर में फिर इस सेगमेंट में कोई बाइक ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत देती भी है तो वो KTM है जिसको मैं बता रहा हूँ। सो इसमें फिर जो है KTM में, आप देखो नो डाउट KTM बहुत अच्छी बाइक है, उसका इंजन इससे बहुत अच्छा है, बट जब भी आप KTM चलाते हो ना तो एक एग्रेसिव फील आता है आपको, मतलब भगाने वाला, कि मैं इसको चला रहा हूँ तो मुझे भगाना है, मतलब हर समय एक फील आता रहता है भगाने का। बट जब आप इसको चलाओगे ना तो एकदम ऐसा, मतलब ना ज़्यादा तेज चलाने का आपका मन करेगा, बस राइड को जो इंजॉय कर दें ना हम, कि बस एक स्पीड हम सेट करें और धीरे धीरे चलते रहें। सो वो चीज़ आती है इसमें, इसीलिए ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू KTM, क्योंकि इसको चलाने में ना बिल्कुल बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हूँ लेकिन सच्ची में मज़ा बहुत आता है, क्योंकि कंफर्ट अच्छा है और सीट भी बहुत अच्छी है इसकी, जिसकी वजह से लॉन्ग ट्रैवल मैं कर सकता हूँ। ये बाइक मुझे इसलिए और भी अच्छी लगती है क्योंकि कभी भी ये बाइक मुझे ना एग्रेसिव फील नहीं होने देती है, हमेशा ऐसा मन करता है बस एक स्पीड सेट करो और राइड का मज़ा लो। KTM में एग्रेसिव बनाता थोड़ा सा, मतलब कि हमेशा इसको मन करता है भगाते रहो। सो ये डिफरेंस है दोनों की बाइक राइड में, कि मतलब क्या डिफरेंस है थोड़ा सा इसको चलाने में और KTM जो 390 एडवेंचर है उसको चलाने में। सो अभी तक मैंने बहुत तारीफ़ कर ली इस गाड़ी की, अब इस गाड़ी के कुछ कॉन्स बताता हूँ कि क्या नुकसान है, क्या क्या दिक्कतें आई हैं मुझे इसको चलाने में। सबसे पहला इशू जो है वो है इसका बैटरी, और जो बैटरी का इशू है वो ये है कि मैं अभी तक 20,000 किलोमीटर कंप्लीट कर चुका हूँ और मैंने इसकी बैटरी आई थिंक दो बार बदला चुका हूँ। सो वो बात अलग है कि मेरा एक भी बार भी पैसा नहीं लगा है, BMW हैंड टू हैंड मुझे चेंज करके दे देता है इसको, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि भाई अगर मैं किसी लंबी ट्रिप पे, बीच में मेरे साथ अगर ये कुछ ऐसा हुआ कि बैटरी काम करना बंद कर दी तब मैं क्या करूँगा। वो तो अच्छा है कि मैं हमेशा सिटीज़ में रहता हूँ या गाड़ी घर पे रहती है, तब ऐसा होता है कि ये स्टार्ट नहीं होती है, बैटरी ड्रेन हो जाती है। बट ऐसा अगर कभी तब हुआ जब मैं कभी किसी लॉन्ग ट्रिप पे हूँ, ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ भी है जब मैं शिमला वाली राइड पे गया था, तो वहाँ पे जब मैं वापस आ रहा था तो वापस आते टाइम दिल्ली के आगे ये बंद हो गई थी, इसका बैटरी ड्रेन कर गया था, पता नहीं कैसे ड्रेन रह गया था। सो उसके बाद जब मैंने BMW में कॉल किया तो उन्होंने बता दिया कि इसको धक्का लगवा के आप स्टार्ट कर लो, जंप स्टार्ट करवा लो, देन यहाँ आ जाइएगा तो हम आपकी बैटरी चेंज कर देंगे। भाई ये चीज़ मुझे, मतलब उनकी सर्विस ए ग्रेड है, सर्विस बहुत अच्छी है, बट उसके बाद क्या फ़ायदा अगर मैं किसी लॉन्ग ट्रिप पर फंसूँगा इस पर, उस समय तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना। सो प्लीज़ बैटरी पे इस पर कोई इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व कर लीजिए। बाकी इस गाड़ी में मुझे अभी तक 20,000 किलोमीटर कर चुका हूँ कोई इशू नहीं फेस हुआ है, केवल बैटरी का इशू फेस हुआ है मुझे बस। लास्ट चीज़ जो इस बाइक की वो है कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है। इसकी टॉप स्पीड है 140-150 के बीच में, वो डिपेंड करता है कि कैसे आप चला रहे हो। सो ये थोड़ा सा वेरी करता रहता है 140 और 150 के बीच में। तो मेरे हिसाब से ये बाइक बेस्ट है, बहुत अच्छी है। बैटरीज के इशू रिजॉल्व होने के बाद सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, कोई गाड़ी का मैच ही नहीं करता है इस पर सस्पेंशन। सो सस्पेंशन सबसे बढ़िया है इस बाइक के। सो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन है इस बाइक की, आप खरीद लो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और भाई लोग जो भी मैंने आपको बताया है वो मैंने 20,000 किलोमीटर चलाने के बाद ही बताया है, और मैं कोई भी प्रोफेशनल रिव्यूअर नहीं हूँ। सो कहीं भी कुछ भी गलतियाँ भी हो सकती हैं तो उसको आप इग्नोर कर देना या मुझे बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधार लूँगा। सो जितना रिव्यू मैं 20,000 के बाद दे सकता था मैं बता चुका हूँ आपको। सो अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर बजाना। तो मिलते हैं दोबारा से एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।